नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। जनता को लुभाना हो तो सुहाना सा सपना दिखा दो, सियासत की सुराही में वादों के कंकड़ डालो और वोट के लिए समर्थन बढ़ा लो, या फिर ऐलानों को ऐतिहासिकता का चोगा उड़ाकर लोगों से सराहना कमा लो। यही तीन आसान ढंग राजनीतिक जंग जीतने के सबसे असरदार जरिए माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या डेंगू की यह प्रणाली लंबी दौड़ के लिए प्रभावशाली है? क्या कोरे वायदे स्थायी फायदे दे सकते हैं? क्या दल उद्घोषणाओं पर अमल किए बिना भी सफल हो सकते हैं? जानकार इन सवालों का जवाब नाम देते हैं, और यदि विशेषज्ञों की सीख ठीक है तो हो सकता है कि उत्तराखंड भाजपा के लिए आने वाला चुनावी समर मुश्किलों से भरा हो। क्यों, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। तमाम खबरों के बीच आज अखबारों में एक खबर ऐसी थी जो कईयों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब थी। इस खबर का संबंध था UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से। खबर के मुताबिक प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। दरअसल समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। समिति चाहती है कि उन्हें तीसरी बार विस्तार दिया जाए, जिसके लिए समिति ने प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। गौर कीजिए कि यदि विस्तार मिलता है तो समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए फिर से बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों के दौरान किया था। ऐलान किया गया था कि यदि भाजपा की सरकार फिर सत्ता पर काबिज होती है तो UCC को पहली प्राथमिकता के साथ प्रदेश में लागू किया जाएगा। खास बात ये थी कि अगर राज्य में UCC लागू हो जाता तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाता। दरअसल क्योंकि UCC ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य सभी धर्मों और सभी जातियों को एक कानून के अंतर्गत लाना है, इसलिए इससे जुड़े विवाद को देखते हुए इस पर राजनीतिक रोकियां तो कई राज्यों में कई दलों द्वारा से की गई, लेकिन इसे लागू करने का साहस कोई जुटा नहीं पाया। इसकी दुश्वारियां भी एक कारण रही कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार का UCC को लागू करने का ऐलान दल के हित में रहा। पार्टी सराहना और समर्थन हासिल करने में सफल रही, हालांकि अब तक कानून लागू करने में कामयाबी नहीं मिली है। बताएं कि UCC को लागू करना बेशक कोई आसान काम नहीं है। सुरक्षा और सौहार्द को संतुलित करना इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सबसे पहले 2022 में इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। तय किया गया कि कमेटी समझ, सवाल, मशविरों और सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर UCC लागू किया जाएगा। अब अपेक्षा तो ये की गई कि समिति 6 माह में ड्राफ्ट तैयार कर लेगी, लेकिन 6 छोड़ी, यहाँ 1 साल से अधिक हो गया। तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने की सुगबुगाहट शुरू भी हो गई, लेकिन समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट से बाहर आने को तैयार नहीं है। समिति कहती है कि ड्राफ्ट पूरी करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, बस रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकती। सवाल है क्यों? देखिए, माजरा सिर्फ ये नहीं है कि तय समय सीमा के कई समय बाद भी कानून लागू नहीं हो पाया, घोषणा पूरी नहीं हो पाई, या फिर अभी और इंतजार लोगों को करना होगा। समस्या यहाँ ये है कि सिर्फ UCC नहीं बल्कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ऐलान तो बड़े बड़े किए गए हैं, जिनके नाम पर जन समर्थन पाया गया, जिनके लिए कमेटी भी गठित की गई, लेकिन जो लंबा समय गुजर जाने के बावजूद भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। भू कानून ऐसा ही एक मामला है। याद दिलाएं कि भू कानून के संबंध में भी सरकार ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर 2022 में ही सौंप दी थी, लेकिन ये कहते हुए कि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है, अब तक भू कानून का मामला भी अधर में ही लटका पड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पहले तो ये घोषणाएं जो जनता से की गई है ये असल में पूरी कब होती है, और यदि नहीं होती तो इसका असर चुनावों पर क्या पड़ता है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।